दिल्ली से ट्रैवल करके डवली आया था और मैंने डवली आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा मेरा कोविड का टेस्ट किया गया था जो कि पॉजिटिव पाया गया। कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण मुझे सिरसा हॉस्पिटल में लोकल अथॉरिटी द्वारा एडमिट किया गया था जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट के लिए मुझे एडमिट किया गया था। सिरसा हॉस्पिटल में मेरा बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ पे सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सभी ने बहुत अच्छा मॉरल सपोर्ट दिया मुझे। यहाँ जैसे कि मेरा पॉजिटिव आने के बाद मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था तो यहाँ जो डॉक्टर हैं हमारे CMO सर हैं डॉक्टर नैन सर, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा मॉरल सपोर्ट दिया। उन्होंने मेरी बकायदा काउंसलिंग की और मुझे समझाया कि तुझे कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ दिनों में ठीक होकर चला जाएगा। नैन सर ने बहुत ही अच्छी तरह मुझे टैकल किया, बहुत ही अच्छी तरह मुझे मेरा मॉरल सपोर्ट बढ़ाया। और यहाँ के सभी डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर सत्येंद्र थे, डॉक्टर अमित थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा मेरा ट्रीटमेंट किया। इन्होंने मुझे किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आने दिया। जो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आई थी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हैंडल की और मुझे प्रॉपर पूरा अच्छा ट्रीटमेंट दिया। यहाँ का पूरा स्टाफ ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही सपोर्टिव है। किसी तरह की कोई भी किसी को दिक्कत नहीं आने दे रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखा जा रहा है। सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा केयर कर रहे हैं। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि घर से मत निकलिए विदाउट, अगर जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। स्टे होम स्टे हेल्दी, मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। और मैं डॉक्टर राहुल को भी जो डवली से हैं कोविड के नोडल ऑफिसर, उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी मेरी फॉलोअप किया है। उन्होंने हमेशा मुझे पूछते रहे हैं कि कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत है या नहीं। बाकी एंड पे मैं पूरे सिरसा हॉस्पिटल का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा, CMO सर का, डॉक्टर्स का, स्टाफ का, कि इन्होंने मेरा बहुत ही अच्छा ध्यान रखा। धन्यवाद। लेकिन स्वास्थ्य विभाग आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, जब निकलें तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो बाहर से आने वालों की हिस्ट्री ज़्यादा है, वही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। कृपया आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार और अपने समाज का ध्यान रखें, तभी हम सिरसा जिला को कोरोना मुक्त बना सकते हैं।